हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम जाने वाले हैं निजामपुर के रेलवे स्टेशन पे। आज हम जाने वाले हैं मार्केट में, जहाँ से हमें कुछ सामान परचेस करके लाना है और मेरे को घर के कुछ काम भी करने हैं जो कि मैं आज करूँगा। सो गाइस, अभी हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए रेलवे स्टेशन। तो अभी हम चलते हैं रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन पे जाने के बाद हम देखेंगे कि वहाँ का क्या है, कैसा है हालचाल, वो देख कर आएंगे। और हम भी आज कई दिनों से रेलवे स्टेशन पर घूमने को नहीं गए थे, तो आज हम रेलवे स्टेशन घूमने को जाएंगे। आज हम निकल चुके हैं हमारे रेलवे स्टेशन की तरफ, और अभी हम यहाँ से पैदल पैदल जा रहे हैं, और अभी थोड़ी ही देर में वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। क्योंकि अभी रेलवे स्टेशन जाने का हमने इसलिए ये किया है क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं रेलवे स्टेशन पर गया नहीं था, और आज मेरे मन कर रहा था कि भाई मैं रेलवे स्टेशन पर जाऊँ। और कुछ मेरे को मार्केट में काम भी थे, वो दो तीन काम निपटा कर फिर घर पे मम्मी को जो सामान लाके देना था वो भी लाके दूंगा। और काफ़ी सारे ऐसे काम थे जो छोटे मोटे, वो मेरे को करने थे, और बिजली का बिल भी मेरे को जमा करवाना था, वो मैं आज इस उधर जाके फिर जमा करवाऊँगा। बट मेरे को नहीं है क्या, अभी एक और काम था कि रेलवे स्टेशन पर जाकर मेरे को इंक्वायरी करनी थी कोई गाड़ी के बारे में, पता करना था। पर अभी हम चलते हैं वहाँ पर, और अभी आप लोग देख सकते हो ये रास्ते पे कैसे झाड़ वाड़ लगे हुए हैं, और ये निजामपुर का रोड है माय फ्रेंड्स। आप लोग देख सकते हो हम निजामपुर की तरफ जा रहे हैं अभी पैदल 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 जा रहे हैं। और पैदल जाते समय हमने देखा है कि भाई कोई भी साधन हमारे को अभी ऐसा मिला नहीं है। अगर कोई मेरे को भाई बाइक वाला मिल जाता है तो वो मेरे को लिफ्ट दे देता है, ऐसा नहीं है। बाइक से भी हम चले जाते, कभी कभी लिफ्ट मिल जाती है मेरे को, ऐसा नहीं है। मैं हाथ दे देता हूँ तो मेरे को रुका लेता है कोई, और लिफ्ट मिल जाती है। बट अभी कोई बाइक वाला आया नहीं है, पीछे से ट्रक आ रहे हैं माय फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो। और ट्रक वाले नहीं रुकाते माय फ्रेंड्स, ट्रक में बैठता भी नहीं हूँ क्योंकि अभी ट्रक वाला क्या है, रुकाएगा नहीं। और पीछे से इस पुलिया पे हम थोड़ी देर बैठ सकते हैं आराम से, पुलिया पे थोड़ा सा बैठ जाते हैं हम, और देखते हैं यहाँ से कोई आता है तो। सो गाइस, अभी हम पुलिया पर बैठ चुके हैं, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आराम करते हैं और देखते हैं। थोड़ा सा विश्राम करने के बाद हम यहाँ से और चलते हैं, और फिर चलते हैं हम निजामपुर के रेलवे स्टेशन पे, और वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे जाके हम देखते हैं कि क्या है, कैसा है भाई, कुछ सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, कि कैसा काम चल रहा है नहीं चल रहा है वहाँ पर। कुछ रेलवे पटरी यानी कुछ जो रेलवे के जो भाई लाइन का काम चल रहा था, तो वो लाइन का काम भी अपन देख लेंगे, और थोड़ा बहुत वहाँ की जो ठंडी हवा है उसको भी हम खा लेंगे। थोड़ा सा नेचुरल फील अच्छा होता है वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे, हमारे को कभी भी देखना मस्त लगता है, एकदम आराम से अपन जा सकते आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और हो सके तो हमारे को वहाँ से फ्री वाईफाई भी यूज़ करने को मिल सकता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर तो क्या है मेरा उसके लिए भी जा रहा हूँ मैं। और मेरा कुछ थोड़े मोटे जो काम थे यानी छोटे मोटे जो काम थे घर के, वो भी अपने कर लूँगा मैं। मार्केट में जाके कुछ सामान परचेस करना था वो भी कर लूँगा, और चलिए चलते हैं। सो गाइज, अभी हम चल रहे हैं। सो गाइज, हम यहाँ से अभी निकलने वाले हैं सीधा, और हमारे को यहाँ से चलना है सीधा निजामपुर के लिए। बीच में छिलरो गांव आ जाता है, छिलरो गांव को भी हमारे को क्रॉस करना होता है यहाँ से। सो गाइज, हमें यहाँ पर लिफ्ट दे दिया था भैया ने, इसलिए लिफ्ट देने पर हम जल्दी पहुँच गए, हमारे को ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ा। गाइज, हमारे को यहाँ पर रुका लिया था एक जन ने, भाई रुकाने के बाद मेरे को बोला कि किस चीज़ की वीडियो बना रहे हो, बट मैंने उसको बताया कि भाई कोई दोस्त से बात कर रहा हूँ, उसको बोल दिया हूँ। तो फाइनली गाइज, हम पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन पर। अभी हम रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं माय फ्रेंड्स, वो आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पे निजामपुर का रेलवे स्टेशन आ चुका है, और यहीं हमारे को आना था, और जो मार्केट के काम है वो हम थोड़ी देर बाद कर लेंगे, जो भी काम है छोटे मोटे उनको निपटा लेंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे लाके दिखाता हूँ सबसे मेन, यहाँ पर है हमारे को बैठने के लिए दिया गया है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो यहाँ है आराम से बैठने के लिए कुछ चेयर्स है जिसके ऊपर अपन आराम से बैठ सकते हैं रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ पर मैं कई बार बैठ जाता हूँ, और मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाऊंगा जिससे कि हमारा जो है डिजिटल एनालॉग क्लॉक,
12:35 हो चुके हैं माय फ्रेंड्स इसके अंदर। सो गाइज, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर पीने का पानी कहाँ पर है, उसको देखने के बाद हम यहाँ पर आराम से बैठेंगे और देखेंगे, थोड़ी बहुत ठंडी हवा खाएंगे, थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। बट सबसे पहले हम क्या करते हैं, पानी देखते हैं पीने का कहीं पर मिलता है तो, और इसके लिए हमारे को वहाँ पर जाना होगा उस आखिरी वाले कोने पर जो कि आप लोग यहाँ से देख सकते हो, वो आखिरी के कोने पर हमारे को जाना होगा, रेलवे स्टेशन के आखिरी के कोने पर। सो हम चलते हैं गाइस पीने का पानी पीने के लिए, और अभी इसके बाद में फिर हम थोड़ा सा आराम करेंगे और रेस्ट करने के बाद हमारे को थोड़ा सा यहाँ से चलना होता है। अभी हम थोड़ा सा चलते हैं यहाँ से। और गाइस, मैं काफ़ी दिनों पहले आया था यहाँ पे, वैसे मैं यहाँ पर नहीं क्या डेली अप डाउन करता था नीम का थाना का, नीम का थाना रोज़ आना जाना करता था, बट अब क्या है मैं नीम का थाना नहीं जा रहा। यह आग बुझाने के लिए बाल्टी और यहाँ पर कुछ चेयर्स है। सो फाइनली गाइस, हमें पीने का पानी मिल चुका है। गाइस अभी हम यहाँ पर बैठते भी और थोड़ा सोते भी है, बहुत देर हो गई सोया नहीं मैं, थोड़ा आराम करते हैं सो के यहाँ पे, ठीक है रेलवे स्टेशन पे। बट मैं यहाँ पर कई बार आता हूँ, पहले मैं यहाँ पर अप डाउन करता था माय फ्रेंड्स, बट अब मैं अप डाउन नहीं कर रहा हूँ, नीम का थाना रोज़ जाता था मैं, बट अब मैं नीम का थाना नहीं जाता हूँ। यहाँ पर हमारे को जो है गवर्नमेंट खुद देती है 1 GB फ्री में यूज़ करने के लिए, भाई जो यात्री है उनके लिए वो सेवा है जो कि हमारे को यूज़ करने को मिल जाता है। जैसे किसी को टिकट ऑनलाइन करना है या फिर किसी को भाई किसी को और कोई काम है या फिर कोई कोई भी काम हो सकता है इंटरनेट का, तो भाई उसके लिए हमारे को ये सुविधा हमारे को दे रखी है कि भाई हम 1 GB यूज़ कर सकते हैं 30 मिनट्स तक। घर चलते हैं माय फ्रेंड्स, अभी हमारे को ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, जो भी काम हमारे को करना था वो हम लिए कर। गाइस मेरा मन तो कर रहा है पिज्ज़ा खाने का, बट मैं पिज्ज़ा नहीं खा सकता। गाइस छोटे मोटे जो भी काम बताए थे वो सारे हमने कर लिए कंप्लीट, अभी हम चलते हैं घर की तरफ। और क्योंकि हमने अभी निजामपुर का जो रेलवे स्टेशन था वहाँ पर जाके जो हमारे को हमारा काम करना था वो हमने कर लिया है। और वो काम आप लोगों को पता है क्या है कि मैं वैसे रियल में गया तो था इसलिए कि भाई भाई फ्री में नेट मुझे मिल जाए, और जो मैंने सोचा था एक्सपेक्ट किया था कि भाई जो मैंने सोचा था कि भाई मेरे को फ्री में नेट मिल जाए तो वो मेरे को मिला। बट मैं जब जा रहा था ना वहाँ पे मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट है ये कि जैसे मैं जब जा रहा था तो मेरे को पुलिस वालों ने रुका लिया और मेरे से पूछा कि भाई तू ये वीडियो क्यों बना रहा है। भाई मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो गया, बट मैंने उनको बोला भाई मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ देख लो चाहिए। वो बोले दोस्त से बात करने के लिए तो ऐसा फ़ोन पकड़ दे, बोले यार तू ऐसा क्यों पकड़ रहा है। मतलब मैं ऐसा पकड़ता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ता हूँ, मैंने बोला उनको तो छोड़ दिया। उन्होंने बोला फिर ठीक है, बोले जा बोले साइड में होकर बात कर। रेलवे का जो वाईफाई यूज़ करना था वो मैंने किया, जो सभी को यूज़ करने का भाई देती है सरकार ने अपने को दिया है वो एक भाई अपन को दिया है फैसिलिटी यूज़ करने का, तो अपन करते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं कुछ आप लोग भी। मैंने आप लोगों को बताया एक वीडियो के अंदर जहाँ बोलिए गाइस हमारे पीछे रिलायंस का पेट्रोल पंप आ चुका है जो रास्ते में पड़ता है, और जिसको भी पेट्रोल भरवाना हो यहाँ से भरवा सकता है गाइस। लेकिन एक बात का मुझे ये ध्यान रखना होगा कि चाहे मुझे व्यूज़ आओ या ना आओ, मुझे डेली की डेली वीडियोज़ अपलोड करनी है, व्लॉग्स की नई नई व्लॉग्स की वीडियोज़ अपलोड करनी है। आप लोगों से बात करने का मौका मिलता है मेरे को बहुत बड़ा, मेरे को सौभाग्य है कि आप लोगों से मेरे को बात करने का मौका मिल रहा है, और भाई मेरे को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है जिस पर मैं वीडियोस को अपलोड करके अपना भाई नाम कमा सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब का प्लेटफॉर्म मुझे बहुत सही लगा। इसे देखो ट्रक आ रहा है और इसका हमारे को ध्यान रखना है, थोड़ा साइड में चलना है, ऐसा नहीं धीरे धीरे करके हम पहुँच जाएंगे घर पर। अपन कोई अगर मेरे को गाड़ी मिल जाती है तो मैं गाड़ी के ऊपर बैठ जाता हूँ, और अगर मेरे को कोई गाड़ी मिल जाती है तो मैं गाड़ी पे बैठ जाता हूँ। मुझे एक लिफ्ट मिल गई थी, आते टाइम पे भी लिफ्ट मिल गई और जाते टाइम पे भी लिफ्ट मिल गई, डबल डबल लिफ्ट मिल चुकी है हमारे को, ठीक है हमारे को 2 बार लिफ्ट मिल गई, जाते टाइम भी लिफ्ट मिली और आते टाइम भी लिफ्ट मिली, और हमारा जाना आना बिल्कुल फ्री में हो चुका है माय फ्रेंड्स आप लोग देख।
आई होप कि गाइस आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर देना वीडियो, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।